हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाफ मान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। इसे हम HBD भी बोल सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कन्वर्जन में भी यूज होती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पुटअप होते हैं। ये जो रिएक्शन जो हम बात करने वाले हैं, ये रिएक्शन एक्चुअल में एमाइड जो होते हैं, एसिड एमाइड, द एसिड डेरिवेटिव, उसकी रिएक्शन है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें सिर्फ 1 डिग्री एमाइड जो है वो यूज होता है। 1 डिग्री एमाइड का मीन जिसमें हम NH2 यूज करते हैं, CONH2। अब चाहे वो एरोमेटिक एमाइड हो या फिर एलिफेटिक हो, ओके, तो इसमें सिर्फ 1 डिग्री एमाइड ही यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं RCONH2, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मीन क्या होता है कि इसमें जो एमाइड वाला ये CO जो कार्बन है, कार्बोनिल वाला कार्बन है, ये डिग्रेड होता है, यानी ये प्रोडक्ट में नहीं रहता, ये प्रोडक्ट से निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम हाफ मान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ कार्बन, ओके। तो कार्बन के लॉस से होने से यहाँ जो 1 डिग्री एमाइन प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड होगा। थर्ड इसका जो की पॉइंट है, ये जो रिएक्शन है ये नाइट्रीन के थ्रू प्रोसीड होती है, यानी इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल, जिसे हम नाइट्रीन बोलते हैं। नाइट्रीन में नाइट्रोजन जो एटम होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन एटम होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी होती है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा राइमर-टीमर रिएक्शन में जो कार्बिन बनता है, तो कार्बिन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें कार्बन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें भी ये की पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन है वो नाइट्रीन के थ्रू प्रोसीड होती है, जिसमें रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे जो हाफ मान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये बातें जो की पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। तो डिग्रेडेशन का मतलब थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक कार्बन कम होगा, ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन। और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम कहते हैं हाफ मान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, लॉस ऑफ कार्बन एटम। चलिए फिर इसके रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये नाइट्रीन जो हमने यहाँ लिखा है, ये नाइट्रीन क्या होता है। तो नाइट्रीन जो है वो अभी मैंने आपको बताया है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है, और जिस प्रकार कार्बिन हम बनाते हैं उसी प्रकार ये बनता है। लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम है जो बहुत ही शॉर्ट होती है, इसे बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो रीडली ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट में जाता है, और रीअरेंजमेंट के थ्रू ये आइसोसाइनाइड बनाता है। हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट होगा। तो कार्बिन आप सिंपली जानते हैं, कार्बिन को हम कैसे बनाते हैं, इसमें कार्बन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे अनशेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होते हैं। तो नाइट्रीन में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर्ड होता है, ये नाइट्रीन में आता है, ओके। दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है।
चलिए अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि HBD जो रिएक्शन है वो कैसे कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले अपन एक एमाइड यूज़ करते हैं RCONH2। ये एलिफेटिक भी ले सकते हैं और एरोमेटिक भी ले सकते हैं। R की जगह हम बेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें CONH2 ग्रुप लेना है। और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड बेस। तो एमाइड जो है वो बेस के साथ ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन के अंदर, जिसमें बेस में हम कोई भी ले सकते हैं, NaOH या KOH। ओके, तो लॉस ऑफ CO मॉलिक्यूल, वन कार्बन लेस प्रोडक्ट RNH2। तो एक कार्बन जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वो यहाँ से क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के जो रिएक्शन है वो HBD रिएक्शन कहलाती है। तो जब भी एग्ज़ाम में एमाइड और ब्रोमीन और कोई बेस के साथ कोई रिएक्शन होती है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो प्रोडक्ट है वो एक कार्बन कम बनाना होता है। और कार्बन कम कौन सा करना है, जो कार्बोनिल कार्बन है CO ग्रुप वाला, ठीक है। तो आप सीधा प्रोडक्ट देख सकते हैं कि उसमें जो रिएक्शन है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। अब इसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। सबसे पहले इसमें जो एमाइड है वो एसिड के जैसे बिहेव करता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या करता है, रेजोनेंस में रहता है। CO ग्रुप जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग है, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी, और नाइट्रोजन पर डिफिशियंसी होने के कारण ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो एसिडिक बिहेवियर होने के कारण ये जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगे हैं ये एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, जो बेस के प्रेजेंस में इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम KOH यूज करते हैं तो OH जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जिससे नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इस नेगेटिवली चार्ज जो नाइट्रोजन बना है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और ये जो नाइट्रोजन है वो अभी मैंने अभी बताया आपको कि ये CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस में रहेगा। तो देखिए इसका रेजोनेंस कैसे बनता है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जो ये आयन बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये आयन अब ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ। तो नाइट्रोजन एक अच्छा बेस होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक होने के कारण ये Br पे अटैक करता है थ्रू डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन के थ्रू, जिससे नाइट्रोजन जो है वो Br पे क्या करता है, इंड्यूस डायपोल क्रिएट करता है। एक Br पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा Br नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव Br जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट हो जाता है, और दूसरा जो Br है वो नाइट्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। इससे एन ब्रोमो एल्केनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं एन ब्रोमो एल्केनेमाइड। और यहाँ पे जो Br हमने बनाया है, Br नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा? तो देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में जो बेस लिया था OH माइनस, तो ये बेस OH कहाँ से आया, पोटेशियम से, KOH से। तो यहाँ जो कैटायन है, चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, वो इस Br नेगेटिव के साथ जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, KBr। अब वही है, वापस हमें वही स्टेप फॉलो करना है। नाइट्रोजन जो है वो उस पर एसिडिक शो करता है, और इसका जो प्रोटॉन इसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी एसिडिक नेचर का होता है। तो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ KOH हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो वापस वही स्टेप हमें फॉलो करना है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन अगेन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आने के कारण ब्रोमीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है, और अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। जैसा कि आपने हैलोजन वाले कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, हैलोजन आर अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो Br जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। Br यहाँ से जैसे ही लीव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और ब्रोमीन के
ये यहाँ से साथ लेके निकलता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन साथ लेके निकलता है तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी नाइट्रीन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, जिसके कारण इसमें रीअरेंजमेंट होता है और आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। तो Br जैसे एलिमिनेट होता है पोटेशियम पॉजिटिव के साथ, पोटेशियम कैटाइन के साथ, और जैसे यहाँ से Br निकलता है तो कार्बन जो है एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, कार्बोनिल कार्बन और इस कार्बन जो साइड वाला कार्बन है इसके जो बॉन्ड पेयर है इसके साथ इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है, क्योंकि नाइट्रोजन Br के जाने से इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे R का अटैक होता है, जिससे हम यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि RCRN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एल्काइल आइसोसाइनेट डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। यदि यहाँ बेंजीन होता है तो हमें उसे कहते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट। अब इस साइनेट का हमें क्या करना है, वार्म हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि जो रिमेनिंग KOH सॉल्यूशन है उसके साथ थोड़ा सा हीट करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करता है, RNS2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट है RNS2 1 डिग्री एमाइन इज ऑब्टेंड। तो ये थी सिंपल सी एक मैकेनिज्म HBD रिएक्शन की। तो किस प्रकार देखो ये रिएक्शन कंप्लीट होता है आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो प्रोटॉन है वो एसिडिक है, हाइड्रोजन जो बेस की प्रेजेंस में यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन होती है जिससे एन ब्रोमो एल्केनेमाइड का फॉर्मेशन होता है, फिर अगेन एसिड बेस रिएक्शन होती है और फाइनली हमें आइसोसाइनेट ऑब्टेंड होता है, जिसको हाइड्रोलाइज करके हम 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है। तो आपको मैकेनिज्म भी ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है जो शॉर्ट लिव्ड होता है वो आइसोसाइनेट से पहले नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो नाइट्रीन के थ्रू कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने HBD रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो हमने देखी है। अब हम इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी इसमें, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, हमें यहाँ से CO ग्रुप को रिमूव करना है। जो एमाइड हमें मिला हुआ है क्वेश्चन में उसमें से CO ग्रुप यदि रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है 1 डिग्री एमाइन वो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एमाइन बनने वाला है। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एक हम लेते हैं यहाँ पे इथाइल एमाइड, ये जो ET है जिसे हम इथाइल कहते हैं C2H5, ओके। एथेनेमाइड भी हम बोल सकते हैं, और ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एमाइड जो है वो Br2 और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो देखो सिंपल सा है, CO ग्रुप को यहाँ से हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए और सीधा NH2 को जो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो इथाइल एमीन बनेगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हम इथाइल की जगह अब लेते हैं बेंजीन एमाइड। तो वही सिंपल सी ट्रिक है, CO ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और बेंजीन को डायरेक्ट NH2 से जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा एनिलीन। बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं एनिलीन। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है वो आपको ध्यान में रखना है कि यदि बेंजीन यूज होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं,
जिसमें बेंजीन पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई सब्सटीट्यूट प्रेजेंट होता है। और सब्सटीट्यूट इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दो टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग को EWG कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटीट्यूटेड बेंजीन ज़्यादा फास्टर रिएक्शन देता है, यानी इस रिएक्शन को ज़्यादा ईजिली देता है? तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा इसको फेवर करते हैं। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, EWG नहीं होगा, यहाँ ERG होगा। ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या कह सकते हैं EDC, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो W नहीं रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको, EDG या ERG होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले, डोनेट करने वाले ग्रुप। तो यदि किसी सब्सटीट्यूटेड एमाइड में, बेंजीन में, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो रिएक्शन को फास्ट देगा, यानी HBD रिएक्शन उस केस में ज़्यादा फास्टर होगी। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल हमने ये ले रखा है, बेंजीन, और ये एमाइड ग्रुप जोड़ दिया हमने, और इसकी पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप NO2 जोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमने क्लोरीन जोड़ दिया है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें CH3 जोड़ देते हैं, टोलुइन, और CH3 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट भी इसी का पड़ता है यहाँ पे। तो थर्ड जो एग्जांपल है वो इस HBD रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्शन करेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि बेंजीन पे जो पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी पेयर दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है वो हाफ मॉल ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन फास्टर करता है या फास्ट देता है, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है। तो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ही फास्टर रिएक्शन देंगे। और बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं कि इन जो रिएक्शंस में जो कंसेप्ट है, जो की कंसेप्ट है, उनको आपको एक लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे करेक्शन था, W जो है वो AWG नहीं होगा, यहाँ पे ERG या EDG ग्रुप होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट था, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं, आप पुराने जो IIT के जो पेपर है उसमें से आप देख सकते हैं, इस रिएक्शन में से ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब